मुझे उसका खून पीना पड़ेगा जिससे मैं प्यार करती हूँ। आयशा राक्षस वंश की कालकई समुदाय की राजकुमारी थी जो लोगों का खून पीकर ही जिंदा रहते हैं, पर वो अब बड़ी मुसीबत में थी क्योंकि उसके पिता ने जिस इंसान का खून पीने के लिए उसे कहा है वो उसका प्यार है। आयशा, अगर तुम खून नहीं पियोगी तो मरी जाओगी। तुम जानती हो कि मानो हमारे समुदाय के लोगों को एक एक कर खत्म कर रहा है। हमें अरमान को मारना ही होगा। अगर भविष्यवाणी सच हुई तो अनर्थ हो जाएगा। पिता के दबाव में आयशा अपनी जादुई शक्तियों से अरमान के होस्टल उसे मारने पहुंच जाती है। आयशा, तुम यहाँ कैसे? इतनी रात तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए था। अगर राक्षस कालकई के लोग तुम्हें कुछ करते थे तो। अरमान के मुंह से कालकई का नाम सुनकर आयशा हैरान रह जाती है। तुम कालकई के बारे में कैसे जानते? सबको पता है, 20 साल पहले जो हैवानियत हुई थी वो कोई नहीं भूल सकता। पर अभी तो मेरे साथ अप्सरा है। ते ही अरमान आयशा को गले लगा लेता है, पर खून की प्यास आयशा को अरमान का कत्ल करने को मजबूर कर देती है। तभी आयशा अरमान को धक्का देकर खुद से दूर कर देती दूर है हो जाओ मुझसे, ताकि अरमान बच जाए। ऐसा कहकर आयशा वहाँ से भागने ही वाली होती है कि अचानक आयशा के बाबा और कुछ राक्षस वहाँ आ जाते हैं। मुझे पता था आयशा, तू नहीं मार पाएगी इसे। मारो इसे। राक्षस अरमान की तरफ बढ़ते हैं। तभी अचानक अरमान के गले का निशान देखकर डर जाते हैं। ये तो असंभव है। ऐसा क्या है उस निशान में? क्या अरमान को मार दिया जाएगा? और क्या हुआ था 20 साल पहले? जानने के लिए अभी डाउनलोड करें पॉकेट FM और सुनिए पना। पॉकेट FM डाउनलोड नाउ।